वहीं इस खबर पर विशेष जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं, साथ ही लखनऊ से हमारे सहयोगी मारे श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं लाइव। संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश की राजनीति कितना महत्वपूर्ण है दिल्ली पहुंचने के लिए, सभी पार्टियों को पता है। अगर जयंत चौधरी एनडीए के साथ आते हैं तो वाकई इंडिया गठबंधन को भरा झटका लग सकता है, हालांकि दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। जहां देखिए, ये खबर तो सूत्रों के हवाले से सामने आ चुकी थी कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, और जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं या नहीं है इस पर स्थिति साफ करने के लिए जयंत चौधरी सामने नहीं आए। संसद का सत्र चल रहा है, राज्यसभा के वो सदस्य हैं, लेकिन संसद में वो दिखाई नहीं पड़े। और अब से कुछ देर पहले, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ वो झुकाव दिखा रहे हैं इस बात का खंडन करते हुए, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव और तमाम लोगों ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि वो नहीं जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि ये विश्वास जो है उसकी जमीन पुख्ता नहीं थी। क्योंकि अब से कुछ देर पहले हम लोगों ने यहां डिम्पल यादव जो कि सांसद हैं, वो लोकसभा सेशन अटेंड कर रही हैं, वो आई थी, उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि अगर तालमेल बिगड़ा है तो जरूर कोई बड़ी बात होगी। तालमेल बिगड़ा है इस बात को उन्होंने माना, और बार बार ये सवाल किया गया और घुमा फिरा के भी कई बार, और डिम्पल यादव सीधी बात करती हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि तालमेल बिगड़ा है, तालमेल बहुत बढ़िया था, तालमेल बिगड़ा है तो जरूर कोई बात होगी। अब ये तालमेल बिगड़ा है और किस हद तक बिगड़ा है, क्या पूरी तरह से टूट गई है बात, अभी सुनने में आया है कि जैसे कैराना जैसी सीटें हैं उसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद था, क्योंकि समाजवादी पार्टी चाहती थी कि उनके उम्मीदवार वहां से लड़े, और भी ऐसी कई सीटें हैं जिस पर विवाद था। 7 सीटें दे तो दी गई थी लेकिन कभी जयंत सामने आकर के उसे स्वीकार नहीं किया। खुद अखिलेश यादव अपनी तरफ से कहते रह गए कि हमने 7 सीटें दे दी हैं राष्ट्रीय लोक दल को, कभी दोनों का साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। तो ये तमाम बातें ऐसी थी जो शक पैदा कर रही थी, और डिम्पल यादव की बात ने उस शक को यकीन में बदल दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अभी तक घोषणा इसलिए नहीं हो पाई है अंजलि, क्योंकि दिक्कत यह है कि कई ऐसी सीटें हैं जो कि चाहते हैं जयंत उनकी तरफ आए, लेकिन उस पर अभी सिटिंग एमपीज हैं भारतीय जनता पार्टी के, जैसे बागपत की सीट सत्यपाल सिंह के पास है, हाथरस की सीट है, मान लीजिए ये सीट जो मुजफ्फरनगर की है वो बीजेपी के पास है, राष्ट्रीय लोकदल चाहती है मथुरा भी, वो भी बीजेपी के पास है। तो कैसी बातें होती हैं, क्या होता है फाइनल, ये देखना है, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों के बीच बातचीत भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच हो रही है। जी बिल्कुल, और बातचीत हो रही है तभी एक इशारा भी दिखाई दे रहा है मानस में हमारे साथ जुड़ के। मानस, देखिए लखनऊ में क्या गहमागहमी, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे, देखिए डिम्पल यादव ने कहा कि अगर तालमेल बिगड़ा है, इशारों में बहुत बड़ी बात है। बड़ा सवाल यह है कि अगर ये गठबंधन होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में शामिल हो जाते जन, तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा जमीनी स्तर पर। देखिए, जिस बात के प्रयास बीजेपी की तरफ से काफी पहले से किए जा रहे थे कि जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा बन जाए, अगर आपको याद होगा कि आज से ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, 3-4 महीने ही पुरानी बात है, भूपेंद्र चौधरी ने खुला ऑफर दिया था जयंत चौधरी को, लेकिन उस वक्त बात नहीं बन पाई और इस बीच में अखिलेश यादव के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के बात हो रही थी। एक खबर ये भी आ रही है कि अखिलेश यादव ने 7 सीटें दी जरूर थी राष्ट्रीय लोकदल को, लेकिन वो चाहते थे कि उसमें कम से कम 3 सीटें ऐसी थी जिसमें वो चाहते थे कि भले ही उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकदल का हो लेकिन सिंबल समाजवादी पार्टी का होना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन के विस्तार के साथ साथ वहां पर अपनी पार्टी की मजबूती को लेकर के भी वहां पर लगातार काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने जब जयंत चौधरी से बात नहीं बन पाई थी, उस वक्त हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से याद है कि भीम आर्मी की तरफ भी संपर्क साधा जा रहा था, लेकिन बात वहां से भी नहीं बन पाई। लेकिन इस बीच में हालात बदलने लगे, जयंत चौधरी कुछ असंतुष्ट नजर आ रहे थे अखिलेश यादव से, हालांकि अखिलेश यादव ने बीती प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राष्ट्रीय लोकदल उनका परंपरागत सहयोगी है और जयंत चौधरी उनके पक्के दोस्त है, लेकिन दोस्ती जो है वो अब नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जयंत चौधरी की तरफ से अभी तक इसका खंडन नहीं किया गया। अगर बीजेपी के साथ जयंत चौधरी नहीं थे तो कम से कम उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वही खंडन करते थे कि यही ऐसी सवाल कोई बात नहीं है। अभी तक उनकी तरफ से कुछ बयान आ रहे हैं, तो इसीलिए ये खबर भी सामने आ रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।